तो मैं अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ देम आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आल्सो। तो एक बार मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वापस बता देता हूँ। पॉलिनोमियल वो होता है एक्सप्रेशन होता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर पावर होल नंबर हो। पावर क्या हो? होल नंबर, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी, मतलब होल नंबर जो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इंटीजर्स होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। तो इसके अंदर अपन को बताना है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं और कितने टर्म्स हैं। तो 3x² - 5x + 13, इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स तो देखो वो होते हैं जैसे x, ये सेम वेरिएबल्स है, तो इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल है। और इसके अंदर टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3। तो इसके अंदर टर्म्स कितनी है? 3। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे टर्म्स, यहाँ लिख देंगे अपन वेरिएबल। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके अंदर वेरिएबल क्या है? वाई। तो इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं पूरे एक्सप्रेशन के अंदर? एक वेरिएबल। और टर्म्स कितने हैं? 1, 2। तो टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? 1, ठीक है, y है सिर्फ। और टर्म्स कितने हैं? 2। तो अपन क्या सोचेंगे भाई, इसके अंदर एक वेरिएबल है, 2 टर्म है। पर ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होती है कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो अपन इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? y² सपोज इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को y + 3 की पावर y - 1, क्योंकि नीचे वाला टर्म है तो उसको ऊपर लाएंगे तो इस टाइप में लिख सकते हैं। तो माइनस वन एक होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये जो टर्म है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये है फोर्थ एग्जांपल 3। अब अपन क्या सोचेंगे कि इसके अंदर तो कोई मतलब कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो अपन क्या सोचेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सपोज एक्स है, उसकी पावर क्या है? 0। तो एक प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं बता देता हूं, कि एक्स की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है वो एक पॉलिनोमियल 2√x + √3x। अब अपन क्या सोचेंगे कि ये रूट एक्स का मतलब क्या होता है? तो रूट एक्स क्या होता है? बेसिकली 2x² + √3x। अब यहाँ पे x की पावर क्या है? एक बार तो 1/2 है और एक 1 है। पर अपन ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। बट यहाँ पे 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगला एग्जांपल देखो, x² + y³ + t²20। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आ गए? एक तो x हो गया, एक y हो गया और एक t हो गया। तो इसमें 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। और इसमें टर्म्स भी कितनी है? 1, 2, 3 और 3 टर्म्स है। तो अगला क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एक बार मैं कोफिशिएंट का मतलब बता देता हूँ कि x² के जो आगे टर्म आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? कोफिशिएंट। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, 12 + 3x + 5x². तो x² के आगे कौन सा टर्म आ रहा है? 5। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x² का? 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन है, 7 + x³ - 11x। तो इसके अंदर अपन को क्या बताना है? x² का कोफिशिएंट बताना है। पर x² का टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, मतलब सपोज यहाँ पे कोई x² का टर्म होगा पर उसके आगे क्या होगा? 0 होगा। तो 0 × something क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसको अपन लिखते नहीं है। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो अगला क्वेश्चन है, √3x + 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, π/2x² + x। अपन को क्या फाइंड करना है? x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसके अंदर x² का टर्म ढूंढो पहले कहाँ पे है, तो √3x + 7। इसके अंदर x² का टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब अगला क्वेश्चन है, π/2x² + x। तो इसके अंदर x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, मतलब x² के पहले कौन सा टर्म आ रहा है? π/2। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
हाँ तो अगला क्वेश्चन है, राइट एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 45। तो इसके अंदर दो टर्म्स आए हैं, पहला टर्म तो है बाइनोमियल और दूसरा टर्म है डिग्री 45। तो बाइनोमियल का मतलब मैंने बोला था कोई भी पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स हो, और डिग्री 45 का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 45 हो। तो अपन ऐसे कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि 5x की पावर 45 प्लस 7। तो इसके अंदर दो टर्म्स है और हाईएस्ट डिग्री क्या है, 45। ऐसे बहुत से एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 7y की पावर 45 प्लस 9y। इसके अंदर भी क्या है, टर्म्स तो कितनी है, दो, और हाईएस्ट डिग्री क्या है, 45। ऐसे अपन इनफाइनाइट एग्जांपल्स लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, राइट एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 120। तो इसके अंदर वर्ड टर्म आया है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, उस पॉलिनोमियल के अंदर एक ही टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 120। तो अपन टी की पावर 120 या 7x की पावर 120, ये कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके। और अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि डिग्री क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 0, यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है, 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की, 3। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये पॉलिनोमियल है 5y-√2, तो इसमें y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यहाँ पे y की पावर कितनी है, 0। तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगी, 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब जो कोई भी वेरिएबल रहा होगा a सपोज, उसकी पावर क्या रही होगी, 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। और फोर्थ क्वेश्चन है 3 + 4t². तो यहाँ पर t की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। पॉलिनोमियल चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी एग्जांपल या कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए उस पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन की इमेज सेंड कर सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।